हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आपके हरियाणा में एक और वैकेंसी निकली है। ये जो दोस्तों आपकी वैकेंसी निकली है, ये निकली है हेल्थ डिपार्टमेंट में। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो जो आपकी पोस्ट निकली है वो आपकी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट निकली है। ठीक है, ग्रुप ए की पोस्ट है, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस ग्रुप ए मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव ग्रेजुएट इन मेडिसिन एंड सर्जरी ऑफ ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और डिग्री ऑफ एनी अदर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करूँ तो इन्होंने साफ साफ लिखा है जो कैंडिडेट की एज लिमिट होनी चाहिए वो 22 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 42 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 22 से लेकर 42 साल के बीच में आप लोगों की एज लिमिट होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, अप्लाई आप लोगों को ऑफलाइन करना है। ये आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, ये फॉर्म भर के आप लोगों को सेंड करना है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 22 जनवरी 2020 है। इसके अलावा अगर फीस की बात करूँ तो जनरल और DESM कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस है, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़ है और SC BC ESM फिजिकल हैंडीकेप EWS और DFF कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़ फ़ीस है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर कैंडिडेट्स ऑफ द हरियाणा स्टेट ओनली। तो ये था पूरा प्रोसीजर। इन नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसको डाउनलोड करके डिटेल में क्वालिफिकेशन वगैरह पढ़ के आप अच्छे से पढ़ के इसको अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग भी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।